यूक्रेन युद्ध के बीच जिस बात का डर था वो सच साबित होता दिख रहा है। जंग का दायरा अब यूक्रेन की दहलीज पार कर रहा है। अगले 24 घंटे के भीतर कुछ ऐसा हो सकता है कि पुतिन 3 देशों पर हमला करने को मजबूर हो जाए। क्या यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने नए टारगेट फिक्स कर दिए? क्या यूक्रेन के बाद व्लादिमीर पुतिन डायरेक्ट नेटो पर अटैक करेंगे? एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया तीनों नेटो और यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। इन्हें बाल्टिक देश भी कहते हैं। ये बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर बसे हैं। तीनों यूक्रेन के कट्टर समर्थक हैं। ऐसे में पुतिन के पक्के दुश्मन भी हैं। तीनों देशों को पिछले साल 24 फरवरी से ही इस बात का अंदेशा है कि वो कभी भी पुतिन के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में नेटो की अगुवाई और अमेरिका की रहनुमाई में ये देश खुद के बचाव की तैयारियों में जुटे हैं। इनकी तैयारियां कैसी हैं? आपको आगे दिखाएंगे। अभी आप तीनों बाल्टिक देशों की टेंशन बढ़ाने वाली तस्वीर देखिए। रूस के ये युद्धपोत बाल्टिक सागर में एक्शन में है। समंदर के पानी को बेचैन करते ये वॉरशिप जंगी अभ्यास के मिशन पर निकले हैं। रूस की सेना के मुताबिक इस नौसैनिक अभ्यास में 40 जहाज और नावें, 25 एयरक्राफ्ट और करीब 3,500 जवान हिस्सा ले रहे हैं। समंदर में रूस की नौसेना की ये ड्रिल 15 जून तक चलेगी। यूक्रेन को नेटो देशों के हथियार सप्लाई से पुतिन का क्रोध चरम पर है। उन तमाम देशों को वो सबक सिखाना चाहते हैं। ऐसे में रूस की सेना एक तरफ यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है तो दूसरी तरफ कई मोर्चों पर युद्धाभ्यास भी कर रही है। आपने बाल्टिक सागर में पुतिन की नेवी के अभ्यास का आगाज देखा। अब आपको जापान सागर और ओखोत्स्क सागर लेकर चलते हैं, जहां रूस की पैसिफिक फ्लीट ने बहुत बड़ा अभ्यास शुरू किया है। जापान सागर और ओखोत्स्क सागर में रूस की पैसिफिक फ्लीट 20 जून तक एक्सरसाइज करेगी। इसमें 60 से ज्यादा युद्धपोत, करीब 35 नौसैनिक विमान और 11,000 से ज्यादा जवान हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी बात ये कि एक दिन पहले ही नेटो देशों ने भी सालाना बाल्टिक अभ्यास की शुरुआत की। इसमें 50 जहाज, 45 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 11 देशों के करीब 6,000 जवान शामिल हैं। जाहिर है इसके जवाब में ही रूस ने भी बाल्टिक फ्लीट को एक्टिव कर दिया है। तीनों बाल्टिक देश पुतिन की आंख की किरकिरी बन चुके हैं, क्योंकि रूस से जंग में एस्टोनिया ने जिस आक्रामक तेवर के साथ यूक्रेन की मदद की है उतनी किसी और देश ने नहीं की। फरवरी 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एस्टोनिया ने यूक्रेन को 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैन्य मदद की है, जो उसके रक्षा बजट का करीब आधा और जीडीपी से 1% ज्यादा है। लात्विया ने भी यूक्रेन को लगभग 3,270 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता दी, जो उसके 2022 के जीडीपी से करीब 1% ज्यादा है। लिथुआनिया ने यूक्रेन की अब तक करीब 3,535 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता की है। ये आंकड़े पुतिन को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं।
यही वजह है कि वो यूक्रेन पर हमले के दायरे को अब बाल्टिक तक ले जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से नेटो रूस से जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, उसी तरह से रूस भी नेटो पर बिना सोचे समझे हमला नहीं कर सकता है। लेकिन रूस के आसपास नेटो देशों में जिस तरह से माहौल बन रहा है, वो किसी बड़ी त्रासदी का इशारा कर रहा है। हालात बता रहे हैं कि यूक्रेन का युद्ध महायुद्ध में बदल सकता है, विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब साबित हो रही है, जबकि फिनलैंड तो नेटो में शामिल हो ही चुका है। ऐसे में रूस का ये पड़ोसी भी पुतिन को बहुत चुभ रहा है। फिनलैंड पर रूस के हमले का खतरा है, लिहाजा नेटो देशों ने यहां 27 मई से 2 जून तक आर्कटिक युद्धाभ्यास किया। फिनलैंड में नेटो के इस अभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे और स्वीडन के करीब 1000 सैनिकों ने शिरकत की, तो मेजबान देश के करीब 6,500 जवानों ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। गौर करने वाली बात यह है कि रूस से महज 2 घंटे का सफर कर इस जगह तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे में यहां अमेरिका के सैनिकों का अभ्यास रूस को चढ़ाने की कवायद भी हो सकती है। With our newest NATO ally to build that capability to help defend Finland if anything happens. That's our commitment. NATO की इस एक्सरसाइज में स्वीडन भी शामिल था, जो इस संगठन का हिस्सा बनना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद स्वीडन और नॉर्वे नेटो में शामिल होने की अर्जी लगाई, लेकिन तुर्की और हंगरी के विरोध की वजह से स्वीडन का मामला लटक गया, जबकि नॉर्वे नेटो का 31वां सदस्य बन गया। ऐसे में अब स्वीडन बाल्टिक इलाके में अपनी अहमियत बताकर और समंदर में पनडुब्बियों की ताकत दिखाकर नेटो में शामिल होने की पैरवी में जुटा है। ये HMS गॉटलैंड पनडुब्बी है, जो स्वीडन के मुताबिक बाल्टिक सागर रूस से मुकाबले में नेटो के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। Activities in the Baltic Sea, of course, they have increased, but not the last year, maybe. But if you count back to 5-6 years back, then it has really increased. We are surveilling that one. We are there. We're working together with other nations. लेकिन सवाल तो ये कि रूस की महाशक्तिशाली बाल्टिक फ्लीट से स्वीडन क्या नेटो देशों के लिए भी टकराना खुदकुशी करने जैसा हो सकता है, क्योंकि पहले से बेहद ताकतवर इस फ्लीट में रूस ने Su-30 और Su-30 SM-2 फाइटर जेट को भी शामिल कर लिया है। रूस की बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर एक ऐसी जगह पर मौजूद है जिसका नाम सुनकर नेटो के देश थर्राने लगते हैं। कलिनिनग्राद 224 वर्ग किलोमीटर में फैला वो इलाका जिसके खौफ में नेटो देश हमेशा रहते हैं। रूस के लिए कलिनिनग्राद एक ऐसा सैन्य अड्डा है जो पूरे यूरोप पर भारी पड़ सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कलिनिनग्राद का नाम सुनकर नेटो देश दहशत से भर जाते हैं। कलिनिनग्राद की भौगोलिक स्थिति ही इसे सैन्य रूप से रूस के लिए बेहद अहम बनाती है। कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर के किनारे बसा है और बाल्टिक सागर डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, पोलैंड, रूस, एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया से घिरा है। कलिनिनग्राद 2 नेटो देशों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच का इलाका है। कलिनिनग्राद में रूस के 2 बड़े सैन्य बेस बाल्टिस्क और चकालोवस्क हैं। बाल्टिस्क में रूस का नेवल बेस है, जबकि चकालोवस्क में उसका नेवल एयर बेस। बाल्टिक सागर में बाल्टिस्क रूस का एकमात्र वार्म वाटर पोर्ट है, मतलब जो साल भर बर्फ से मुक्त रहता है। इसी वजह से ये रूस की नेवी के ऑपरेशन के लिए बहुत अहम है। पिछले 2 दशक के दौरान कलिनिनग्राद रूस की जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस इस जगह से बाल्टिक सागर में यूरोपीय और नेटो देशों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक सकता है। अगर रूस के साथ नेटो का भविष्य में कोई युद्ध हुआ तो कलिनिनग्राद रूस के ऑपरेशन के लिए एक अहम लॉन्च पैड होगा। दरअसल कलिनिनग्राद सोल्वाकी गैप के पास स्थित होने की वजह से भी
अहम है। सुलवाकी गैप 65 किलोमीटर लंबा जमीन का वो टुकड़ा है जो कि कलिनिनग्राद को बेलारूस से जोड़ता है, लेकिन सुलवाकी गैप नेटो सदस्य देशों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में पड़ता है। अगर रूस सुलवाकी गैप पर कब्जा कर ले तो वो पोलैंड और तीनों बाल्टिक देशों यानी लिथुआनिया, एस्टोनिया और लात्विया का नेटो के बाकी देशों से संपर्क काट सकता है। इसलिए रूसी सेना कलिनिनग्राद में अपनी सैन्य शक्ति को काफी तेजी से बढ़ा चुकी है। globalsecurity.org के मुताबिक रूस ने कलिनिनग्राद में करीब 1 से 2 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं। 2016 में रूस कलिनिनग्राद में इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात कर चुका है। इस्कंदर मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। रूस कलिनिनग्राद से पोलैंड, जर्मनी, यूक्रेन समेत मध्य और उत्तरी यूरोप के नेटो देशों को आसानी से निशाना बना सकता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बाल्टिक सागर में टेंशन काफी बढ़ गई है। अभी पिछले महीने ही रूस और अमेरिका के फाइटर आमने सामने आ गए थे। रूस के द नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक अमेरिका और रूस के विमानों के बीच बाल्टिक सागर के ऊपर भिड़ंत हो गई। दावे के मुताबिक अमेरिका के 2 B-1B बॉम्बर रूस की सीमा की ओर उड़ान भर रहे थे। इन बॉम्बर को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रूस की तरफ से एक SU-27 फाइटर जेट को उतारा गया और SU-27 फाइटर जेट के आसमान में मोर्चा संभालने के बाद अमेरिका के दोनों बॉम्बर भाग खड़े हुए। जरा सोचिए, अगर ये टक्कर हो जाती, रूस और अमेरिका के फाइटर और बॉम्बर अगर आसमान में जंग छेड़ देते तो क्या होता? बेशक अंजाम बहुत खतरनाक होता, वैसे खतरा अभी भी टला नहीं। अभी नेटो और रूस अभ्यास खेल रहे हैं, लेकिन ये अभ्यास अगर सचमुच युद्ध में बदल गया तो बाल्टिक का पानी खून से लाल हो सकता है।